हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अलग अलग लाइफ फॉर्म कैसी होती हैं और कैसे हम अलग अलग किंगडम्स में किसी भी लाइफ फॉर्म को डिवाइड करते हैं। तो हमने एक अगर हम क्विक अगर एक रिवाइज करें तो हम देखेंगे कि हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर द्वारा दिया गया था वो हमने देखा कि पाँच जो मेन किंगडम्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजा हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल किंगडम हो गया। इन पांच किंगडम्स को हमने क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि उनको हम किन किन कैरेक्टर्स के बेस पर अलग अलग किंगडम्स में किसी भी इंडिविजुअल को रखते हैं। फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमने ब्रॉड में पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके एक एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फाइलम ऐसा किसी भी फाइलम के कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उस फाइलम को और फाइलम से अलग किया गया है, ये हम अब देखने वाले हैं। और पहला फाइलम जो हमारे एनिमल किंगडम में आता है वो है आपका प्रोटोजोआ। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, प्रोटो मतलब होता है पहला और जोन मतलब जोआ मतलब होता है कि एनिमल। तो पहले एनिमल्स जो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स के पहले इंडिविजुअल्स आए उनको प्रोटोजोन्स में हमने डाला था। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके कैरेक्टर्स के साथ और आज हम इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे क्लास लेवल तक। कैरेक्टर्स में अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स को बेसिकली हम लोग एनिमल किंगडम में रखते हैं और ये बेसिकली हैबिटेट जो होता है इनका वो एक्वेटिक होता है और मोस्टली ये मराइन होते हैं, ज़्यादातर ये खारे पानी में मिलते हैं और कुछ ही जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर कुछ ही इंडिविजुअल्स के होते हैं, ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में होते हैं और उसमें भी ज़्यादातर खारे पानी में होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये ज़्यादातर सोलिटरी होते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं, या तो ये अकेले इंडिविजुअल्स मिलेंगे या हो सकता है कि इनकी एक कॉलोनी होती हो और वहाँ पर ये बहुत सारे एक साथ मिले, तो ये कॉलोनी में भी हो सकते हैं और सोलिटरी भी हो सकते हैं। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं तो सेल के अंदर ही जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। बॉडी का शेप की बात करें, इनका जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ज़्यादातर ये फ्लैटिंग भी हो सकते हैं, ज़्यादातर फ्लैटिंग होती है सिलेंड्रिकल होते हैं, ये तो फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, तो अलग अलग किस्म के शेप होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये मोस्टली सिलेंड्रिकल ज़्यादा होते हैं या फिर फ्लैटेंड होते हैं, तो इन शेप्स को ये प्रेफर करते हैं, लेकिन बेसिकली बॉडी शेप को इनका स्पेसिफिक नहीं है और ये वेरी करता रहता है। सिमेट्री की बात करें तो बॉडी इनकी या तो असिमेट्रिकल होगी या फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल होगी, तो लेकिन ये कभी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो बेसिकली या तो ये एसिमेट्रिकल होंगे यानी कि वो उसको सिमेट्री कोई है नहीं, शेप अमीबा को आप कैसे कर सकते हैं, तो या फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि हम लोग की जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, फिर एंडोडर्म होती है, लेकिन इनके अंदर जो होता है वो दो ही डर्म्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका जो डेवलपमेंटल स्टेज है भी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम कैविटी की बात करें तो वो अब्सेंट होती है, तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जिन इंडिविजुअल्स के अंदर सीलोम अब्सेंट होता है उनको हम एसीलोमेट कहते हैं, यानी कि जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है, या तो ये एसीलोमेट होंगे लेकिन इनके अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट होगी, हो सकती है, होती है। बॉडी सरफेस है न्यूमरस परफोरेशन कॉल्ड ऑस्टिया, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके बॉडी के अंदर अगर आप इनका बॉडी देखें तो इनके बॉडी में मान लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे छेद इनके बॉडी में ऐसे करके होंगे यहाँ पर, जिसमें कि जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, लेकिन जो एग्जिट होगा वो सिर्फ एक होगा और इसको कहते हैं ये आपके हो गए ऑस्टिया, और एक ही एग्जिट होता है जिसको हम बड़ा सा एग्जिट होता है वो जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है इनके अंदर, और ये हम देखेंगे अभी आगे आकर अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक कैरेक्टर है इनका ये। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगला जो इनका कैरेक्टर है
वो है वाटर कैनाल सिस्टम, जो मैंने भी आपको बताया कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया होता है, यहाँ से पानी अंदर आता है, और जो ऑस्कुलम होता है, यहाँ से पानी बाहर जाता है, और वो पानी के सर्कुलेशन के माध्यम से ही उनका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे पूरी बॉडी में उनके ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो हमारा काम ब्लड करता है हमारी बॉडी में, वही काम उनके उसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम उनके इसमें प्रेजेंट है। तो देखेंगे कैनाल सिस्टम इनका जो वाटर का है, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वाटर के माध्यम से होता है। तो हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं अगले लेक्चर्स में। एंडोस्केलेटन जो होता है वो एदर कैल्सियस होता है, कैल्सियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या फिर वो हो सकता है कि आपका सिलिका का बना हो, जिसको कि हम सिलिशियस कह देते हैं, या प्रोटीन का भी बना हो सकता है, जिसको हम स्पॉन्जिंग फाइबर कहते हैं। तो बेसिकली इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर का जो स्केलेटल पार्ट होता है, वो बेसिकली तीन चीजों से बना हो सकता है, एदर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हो सकता है वो प्रोटीन का बना हो, और या फिर हो सकता है वो सिलिका का बना हो। तो इसके बेस पर भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि सिलिशियस हो सकता है, कार्बोनिफेरस हो सकता है, या फिर कैल्केरस हो सकता है, या फिर वो स्पॉन्जिंग फाइबर का बना हुआ हो सकता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो ज़्यादातर होलोजोइक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, और नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके अंदर अब्सेंट होते हैं और वो पाए नहीं जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के माध्यम से ये लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का काम इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम करता है, वाटर कैनाल सिस्टम करता है, और जो डाइजेशन के भी, न्यूट्रिशन का भी, जो यहाँ से वहाँ ले जाना और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, वो सब वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से इनके अंदर होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो बेसिकली इनके अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के माध्यम से हो सकता है, या फिर जेम्यूल के माध्यम से हो सकता है, और रीजनरेशन भी देखा गया है कि इनके अंदर रीजनरेशन भी होता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है एक तरीके का, और बेसिकली इनका जो लाइफ का मोड है वो दो टाइप का होता है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, या फिर ये जो होंगे पैरासाइटिक होंगे, दूसरे एनिमल्स के ऊपर जीवित रहने वाले होंगे। इसके अलावा लोकोमोशन जो होता है इनका, बेसिकली तीन टाइप का लोकोमोशन हो सकता है, या तो ये सीलिया से हो सकता है, सीलिया यानी कि छोटे छोटे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर उनसे हो सकता है, या फिर ये फ्लैजेला से हो सकता है, या फिर ये स्यूडोपोडिया से हो सकता है, जैसे हम अमीबा के अंदर देखते हैं। ये स्यूडोपोडियल है, ये सीलिया है, और ये फ्लैजेलर है। तो इस तरीके के तीन टाइप के इनके लोकोमोशन हो सकते हैं। बॉडी जो होती है वो नेकेड होती है या पेलिकल से कवर्ड होती है, और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट या प्रोटेक्टिव वॉल अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर्स, अगर आप देखें कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब उसको लगेगा कि अब मेरे फेवर में ये कंडीशंस नहीं है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर का वेरिएबिलिटी आ जाएगी, तो उस टाइम में क्या होता है कि सिस्ट फॉर्मेशन भी इनके अंदर देखी गई है कि सिस्ट फॉर्म हो जाती है। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इनका कैरेक्टर ये है कि इनकी जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ कभी नहीं होती, ये कभी भी अपने आप नहीं मरते हैं, इनको या तो कोई खा जाएगा या कुछ होगा वैसे मरेगा, नहीं तो ये नेचुरल डेथ इनकी होती ही नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगता है इनका। और ऑस्मो रेगुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से इनके अंदर, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के माध्यम से होता है बॉडी सरफेस से। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ताकि आप इसको समझ सकें आसानी से कि इसके अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं। अमीबा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूक्लिना हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये इसके अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे कि इस फाइलम को हम फर्दर क्लास लेवल तक कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और किन किन बेसिस पर इस फाइलम को क्लास लेवल तक हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी क्लास में, कौन कौन से इन एग्जाम्पल्स में से कौन सी क्लास में कौन सा जाता है, ये हम अब देखने जा रहे हैं। तो करेक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि हम प्रोटोजोआ को क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम प्रोटोजोआ को देखा तो हम चार क्लासेस में ब्रॉडली उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और इनके जो क्लासेस के नाम हैं ये ही इनके कैरेक्टर्स को बता देते हैं कि ये क्यों इन क्लासेस में रखे गए हैं। जो पहला क्लास है आपका वो है राइजोपोडा। पोडा जैसे कि शब्द होता है, इसका अर्थ होता है
लेकिन शब्द है, इसका अर्थ होता है पैर से रिलेटेड आपके जो लेग्स इनके रिलेटेड। तो राइजोपोडा में जो होता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइजोपोडा कहते हैं। मैस्टिकोफोरा और फ्लैजेलेटा, फ्लैजेलेटा फ्लैजेला से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लैजेला उपलब्ध होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम आते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें स्पोर फॉर्मेशन इस वाले क्लास में आपकी होंगी, तो उसको हम स्पोरोजोआ कहते हैं। और आखिरी जो क्लास है, चौथी क्लास, वो है सीलिएटा। सीलिएटा में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए क्या होगा, इसमें सीलिया होगा, इसमें फ्लैजेला नहीं होगा, स्यूडोपोडिया नहीं होगा, लेकिन ये सीलिया वाला लोकोमोशन होगा। तो इन बेसिस पर हमने इनको अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है। अब देखते हैं कि इन क्लासेस के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं राइजोपोडा से, जो पहली क्लास है। हमने जैसे बताया कि ये क्या है, ये क्लास है। तो क्लास वन जो है वो है राइजोपोडा, और राइजोपोडा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होगा, स्यूडोपोडिया, जो इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस क्लास को अलग करने का। उसके बाद ये ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ फॉर्म इसके जो है पैरासाइटिक हैं। बल्कि अगर हम देखें कि जो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिक लाइटिका है, वो अकेला एक ऐसा फॉर्म है जो कि पैथोजन मेंबर है इस कैटेगरी में, इस क्लास में, राइजोपोडा में। और ज्यादातर जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, और ज्यादातर बाइनरी फ्यूजन से होता है, और सेक्सुअली बाय सिनगेमी भी हो सकती है, लेकिन इनमें कंजुगेशन और दूसरे टाइप के स्पोर फॉर्मेशन ये सब चीजें ऑब्सेंट होती हैं। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली वो बाइनरी फ्यूजन से होता है, और सेक्सुअल जो होता है वो सिनगेमी से होता है, और कंजुगेशन ऑब्सेंट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ई कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जैसे मैंने कहा कि ये ओनली पैथोजन मेंबर है अपने ग्रुप में इस क्लास में, और ई डिस्पर, ये कुछ एग्जाम्पल है। और बेसिकली जो ये इंटेस्टाइन में है, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कोलोन में ये रहता है, और वहाँ पर ये इनहिबिट करता है। उसके बाद जो दूसरी क्लास आती है, क्लास टू, वो है आपकी मैस्टिकोफोरा या फ्लैजेलाटा। और जैसे मैंने कहा कि फ्लैजेलेटा यानी कि फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगी, तो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा फ्री लिविंग होता है, और फ्री लिविंग के अलावा ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, और बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है सेलुलोज से, काइटिन से, या सिलिका से, जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो इन चीज़ों से कवर हो सकती है, सेलुलोज से, काइटिन से, या सिलिका से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। रिप्रोडक्शन इसमें भी जो होगा वो बेसिकली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन से ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और कंजुगेशन नहीं होता है इसमें। यहाँ पर भी कंजुगेशन नहीं था, यहाँ पर भी कंजुगेशन नहीं है, अब हम देखेंगे आगे कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल इसके हैं गियार्डिया, यूग्लिना, ट्रिप्नोजोमा, ये कुछ एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके। और जब ये हमारे बॉडी में होता है तो ये बेसिकली किसी की एनिमल की बॉडी में जो होता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म सिस्ट फॉर्म करता है, और सिस्ट फॉर्मेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ये रहता है। स्पोरोजोआ जो देखें कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो ऑब्सेंट है, यानी कि लोकोमोशन है ही नहीं। तो इन तीनों में लोकोमोशन है, एक में स्यूडोपोडिया है। तो बेसिकली जो क्लासेस का क्लासिफिकेशन हमारा किया गया है इस प्रोटोजोन्स में, वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन किया गया है कि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है कि ऑब्सेंट है, और प्रेजेंट है तो फ्लैजेला है, सीलिया है, या फिर वो स्यूडोपोडिया है। तो स्यूडोपोडिया है तो वो राइजोपोडिया में आ गया, और अगर फ्लैजेला है तो फ्लैजेलाटा में आ गया, या मैस्टिकोफोरा में आ गया, और अगर सीलिया है तो सीलिएटा में आ गया, ऑब्सेंट है तो स्पोरोजोआ में आ गया, जो कि इसका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो क्लास है ये एक्सक्लूसिव एंडोपैरासाइट्स है, तो ये पैरासाइट की पूरा एंडोपैरासाइट्स का पूरा क्लास है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए इसमें ऑब्सेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम नहीं है इसमें। और बॉडी कवर्ड विद पेलिकल, बॉडी जो होती है वो पूरी पेलिकल से कवर्ड होती है। रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सेक्सुअल जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होता है, फ्यूजन के द्वारा माध्यम से होता है, और सेक्सुअल जो होता है वो स्पोर के माध्यम से होता है, इसलिए इसको हमने स्पोरोजोआ भी कह दिया है। कि इसको हम बेसिकली स्पोरोजोआ देने का नाम बेसिकली ये है कि
ताकि क्योंकि इस पे कोई ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो किसके नाम पर देते? तो इस पे एक करेक्टरिस्टिक फीचर और है, वो है स्पोर फॉर्मेशन, तो इसलिए इसका नाम हमने स्पोरोजोआ दे दिया। तो उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, या तो एक ही होस्ट के अंदर होगी या डिफरेंट होस्ट के अंदर होगी, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ इसके जनरेशंस मिलते हैं कि अलग अलग अल्टरनेशन फॉर्म ऑफ जनरेशन से पाई जाती है। फिर आखिरी जो क्लास है वो है सीलिएटा। सीलिएटा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ सीलिया, कि इसके मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होती है। और बॉडी जो होती है ये भी पेलिकल से कवर्ड होती है, इसमें भी पेलिकल से कवर्ड थी। और इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और कंजुगेशन प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, कि सेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कंजुगेशन के माध्यम से होता है, और एसेक्सुअल जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से होता है, कि इनके एक इंडिविजुअल दो में डिवाइड होगा, फिर दो चार में होंगे, चार सोलह में होंगे, आठ में होंगे, इस तरीके से आठ सोलह में होंगे। तो न्यूक्लियस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि दो टाइप के न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम और वोरिसेला और ब्लाइटिडियम कोली, बी कोली भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लासेस भी हैं जो कि अनसर्टेन है, उनको ये नहीं पता है कि किस क्लास में डाल दिया जाए। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं कि उनको डालना मुश्किल है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। जैसे हम आजकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जिनको कि हम किस किंगडम के अंदर डालेंगे यही डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वायरस क्रिस्टल फॉर्म से लेकर नॉन लिविंग तक कितने सालों तक, हजारों करोड़ों सालों तक रह सकता है, तो और उसको उसके बाद फिर दोबारा डालेंगे तो वो जीवित रहता है, तो उसको किस में डालें, कौन से किंगडम है ऐसा है जिसमें कि हम वायरसेस को डाल सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी जो प्रोटोजोआ में भी कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनमें कुछ इंडिविजुअल्स जिनके की कैरेक्टर तो प्रोटोजोआ की तरह है, लेकिन क्लास उनकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो गए निमोसिस्टिस, कार्नियाए और माइक्रोस्पोरिडिया। ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं इनकी कोई भी क्लास अभी तक डिफाइंड नहीं है कि इनको हम कहाँ डालें। तो इस तरीके के एक्सेप्शंस हमको साइंस में रोज देखने को मिलते हैं। अगला जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा के बारे में, जो अगला हमारा फाइलम है पॉलीफेरा, और जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं, और उनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे और देखेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है, और किस बेसिस पर हमने पॉलीफेरा की क्लासेस को अलग किया है, पॉलीफेरा अपने आप में कैसे फाइलम अलग बना है एनिमल किंगडम के अंदर, इसको एनिमल किंगडम में क्यों रखा गया है, और इसका जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल जो इसके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और फिजियोलॉजी होती है वो कैसे होती है और कैसे चलती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली हैं। और वाटर कैनाल सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आकर, तो ये चीज़ें हम आप देखेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों अब हम बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में प्रोटोजोन्स के, कि प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन कैसे होता है। जैसे हमको पता है कि ये सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स थे और जिनमें कि लोकोमोशन पाया गया। तो अगर लोकोमोशन देखें तो बेसिकली जो प्रोटोजोन्स में होता है वो तीन प्रकार से होता है, या तो वो स्यूडोपोडिया से होगा, या फ्लैजेला से होगा, या सीलिया से होगा। जो स्यूडोपोडिया से होता है वो ज़्यादातर एम्बोइड मूवमेंट भी कहा जाता है उसको। इसमें जो सेल बॉडी होती है उसका एक्सटेंशन होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण स्यूडोपोडियम बनता है, वो अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में सबको। और जो फ्लैजेला होता है उसमें एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है एनिमल के किसी एक पोल पर, या हो सकता है दोनों पोल्स पर हो, और इसको हम फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। तीसरा जो टाइप है मूवमेंट का वो है सीलिया से, ये बहुत कॉमन है। जैसे पैरामीशियम में हम इसको देखते हैं, बहुत पूरे शरीर पर बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसको हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्यूडोपोडिया जो है उसका एग्जाम्पल अमीबा है, और फ्लैजेला का एग्जाम्पल इग्लिना है, और पैरामीशियम में सीलिया से मूवमेंट लोकोमोशन होता है। अब हम पहले वाले टाइप को देख लेते हैं एमीबॉइड टाइप। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप है, सबसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ मूवमेंट है जो कि पाया जाता है।
और इसमें जो होता है जो स्यूडोपोडियम, स्यूडो मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं नकली, और पोडियम मतलब पैर, फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट की फॉर्मेशन होती है और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता है उसी डायरेक्शन में जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है और स्ट्रीमिंग होती है उसकी उस साइड में, और एक फॉल्स फीट बनता है और अमीबा का मूवमेंट इस तरीके से पाया जाता है। और ये एग्जाम्पल इसके जो है वो सर्कोडीना जो है और मेस्टिकोफोरा है और स्पोरोजोआ जो है आपकी क्लासेस उनके ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इस फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि जो अमीबा है उसके दो एंड्स हैं, एक ट्रेलिंग एंड है और दूसरा एडवांस एंड है। तो एडवांस एंड में जो आपकी हाइलिन कैप है और जोन ऑफ जलेशन है ये सब आपके प्लाज्मोजोल के मूवमेंट के कारण बनते हैं, और प्लाज्मोजोल जो है वो आगे को मूव कर रहा है और ट्रेलिंग एंड जो है वो पीछे का साइड होता है। आगे देखें इसके कुछ और फीचर्स अगर हम देखें कि जैसे मैंने कहा आपसे कि ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के कारण होता है, और ये जो लोकोमोशन होता है इस टाइप का ये सिर्फ सरफेस पर ही इस टाइप से लोकोमोशन कर सकते हैं, डीप वाटर में नहीं कर पाते हैं। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वर्किंग का वो अभी तक नोन नहीं है, या कह सकते हैं कि वेरीफाइड फुल्ली जो लोग इससे वाइडली एक्सेप्टेड कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, लेकिन जो सोल्ड जेल थ्योरी है जो मास्ट और पेंटिंग ने दे रखी है 1925 में वो वाइडली एक्सेप्टेड है। वो ये कहते हैं कि जो आपका मूवमेंट है वो स्यूडोपोडिया की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब पर, जिसको हम प्लाज्मोजेल भी कहते हैं, जो पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी पोस्टीरियर साइड में होती है किसी भी एनिमल के, और जिसके कारण क्या होता है कि जो प्लाज्मोजोल होता है उसका आगे की ओर मूवमेंट होता है और स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। और इस थ्योरी को फर्दर जो है ग्लैकर और लोअर्क ने और एलन और रसेल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई किया हुआ है, थोड़ा इसमें एड ऑन कर रखा है। अगर हम देखें कि जो स्यूडोपोडियम होता है इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर के बेस पर इसको अगेन हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है लोबोपोडिया, लोबो मतलब लोब लाइक स्यूडोपोडिया इसको कह सकते हैं हम लोग, कि जो इसमें स्यूडोपोडिया बनता है वो लोब के स्ट्रक्चर का बनता है, लोब जैसा बनता है जिसमें कि ब्रॉड और राउंडेड एंड्स होते हैं, और ये दोनों एक्टो और एंडोप्लास्ट से बनता है और मूवमेंट जो होती है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के कारण होती है। इसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है फिलोपोडिया, जैसे आप देख सकते हैं फिलो मतलब फिलामेंटस स्यूडोपोडियम होता है, इसमें फिलामेंट के शेप का या तकरीबन फिलामेंट के शेप का स्यूडोपोडियम बनता है। इसका एग्जाम्पल आपका है युगल्फा, और इसमें क्या होता है कि जो पॉइंटिंग टिप्स बनती हैं बेस से लेकर टैपरिंग होती रहती है, जो आपके स्यूडोपोडियम बनेगा वो बेस की ओर मोटा रहेगा और टिप की ओर वो पतला होता जाएगा। इसमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म होता है और ये ब्रांचिंग में भी हो सकता है, इसमें ब्रांचिंग फॉर्म हो सकती है अगेन, जो कि सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है रेटिकुलोपोडिया, या जिसमें राइजो और मैक्सोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो होता है ये भी फिलामेंटस है, लेकिन इसमें जो होता है ब्रांच्ड और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है ये पूरा स्यूडोपोडिया का। और ये इसके एग्जाम्पल हैं प्रो मेनिफेरेंस और ग्लोबिजनेरा में, और जनरली ये दो जो साइटोप्लाज्म होता है वो टू वे में फ्लो करता है, यानी कि दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो चौथा प्रकार है वो है एक्सोपोडिया, जिसमें स्ट्रेट होते हैं स्यूडोपोडिया आपके सीधे, और ये पूरे बॉडी के चारों ओर रेडियल फॉर्मेशन में होते हैं या रेडिएटेड फॉर्म में होते हैं, और कंटेन्स से सेंट्रल एक्सल रॉड जिसमें कि एक ग्रेनुलर एडहेसिव साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें भी जो होता है टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कि यानी कि दोनों डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म की जो फ्लो होती है वो होती है। इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोफायर्स। तो अमीबॉइड मूवमेंट हमने देखा कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया, ये चार टाइप के आपके अमीबॉइड मूवमेंट हो गए। उसके बाद हम आते हैं फ्लैजेलल मूवमेंट में। फ्लैजेला जैसे मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल है इग्लिना,
बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसको हम बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फ्लैजुलर मूवमेंट में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है वो फ्लैजुलेट्स या फ्लैजुला होता है, और ट्रिप्नोजोमा भी इसका एक दूसरा एग्जांपल है। जो फ्लैजुला होता है वो एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इस एक इलोंगेटेड स्टिफ एक्सियल फिलामेंट बना होता है जिसको कि हम एक्सोनीम कहते हैं, जिसको कि एक आउटर शीथ एनक्लोज करती है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें कि फ्लैजुला कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ये पांच प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पोलर, जहां पर कि एक सिंगल फ्लैजुला होगा एक पोल पर। फिर होता है लोफोट्राइगस, जिसमें कि एक गुच्छा होगा फ्लैजुला का एक पोल पर, और अगर यही गुच्छा अगर दोनों साइड हो तो उसको एम्फियोट्राइकस कह देंगे, और अगर मान लीजिए दोनों साइड में एक एक फ्लैजुला हो तो उसको एम्पी ट्राइकस कहते हैं, जिसमें दोनों पोल्स में एक एक तरफ होता है, और अगर बॉडी के चारों ओर फ्लैजुला हो तो उसको पेरिट्राइकस कहते हैं, यानी पूरी फेरी फेरी के आसपास के फ्लैजुला हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए फ्लैजुला के अरेंजमेंट्स के। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर जो फ्लैजुला है उसके फ्लैजुला के अगर और डिटेल स्ट्रक्चर में देखें तो ये अभी फिर दोबारा पांच प्रकार का हो सकता है। ये है स्टाइकोनिमेटिक और पेंटोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक जिसमें कि और जो फर्दर फिलामेंट्स होते हैं जो उसकी ब्रांचिंग होती है वो नहीं होती है बिल्कुल भी, और फिर पेंटाक्रोनोमेटिक और फिर एनिमेटिक जिसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं होगी। इनके अलावा मैंने इनके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली फ्लैजुला काम कैसे करता है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो उलेहला और करिश्मैन ने दे रखा था 1925 में, जो पैडल स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो स्ट्रोकिंग होती है फ्लैजुला की वो पैडल के रूप में होती है, जिसमें एक साइड में लैशिंग होती है फ्लैजुला की, और इसमें इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक होता है। इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक पावर स्ट्रोक होता है और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है, और मूवमेंट ऑफ फ्लैजुला आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट ऑफ फ्लैजुला होगी, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की ओर बढ़ता है। और डिटेल में थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक हैं इसके, कि एक से लेकर छः तक आप देख सकते हैं कि जब फ्लैजुला फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तो उस समय जो फ्लैजुला का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं बिल्कुल रिजिड होता है, वो सीधा होता है, और जब 7 से लेकर 12 तक जब वो बैक स्ट्रोक मारता है रिकवरी स्ट्रोक मारता है तो उस समय फ्रिक्शन कम से कम हो इसके लिए वो क्या होता है फ्लैजुला बेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो वन साइड मूवमेंट अपना कंट्रोल कर सकता है, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको जिस साइड भी मूवमेंट करनी होगी उस हिसाब से उसके फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक लग सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है अंडुलेटिंग मोशन, जिसमें कि एक वेव लाइक फॉर्मेशन होती है, एक लहर की तरह फ्लैजुला अपने आप को बीट करता है, जिससे कि एनिमल जो होता है उसका मूवमेंट होता है, और एक स्पाइरल फॉर्मेशन भी वो कर सकता है। सिंगल अगर फ्लैजुला है तो वो इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तीसरा जो है सिंपल कोनिकल गायरेशन है, जिसमें कि गायरेशन होती है बुटसेल्स ग्रोथ थ्योरी के कारण ये आया था सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लैजुला होता है उसकी गायरेशन होती है, गायरेशन होता है कि एक सर्कल में रोटेशन जैसी होती है, जैसे हम एक गोल गोल घुमाते हैं एक रस्सी पकड़ के, अगर लहर आपकी आ रही है मान लीजिए तो वेव फॉर्मेशन में करता है ये, गोल 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 फॉर्मेशन करता है, और कोनिकल फॉर्मेशन होती है, तो इससे भी मूवमेंट, ये भी फ्लैजुला का एक है। अगर हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देख लें कि अगर कोई भी जो सीलिया और फ्लैजुला होती है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इसके बेस पर है कि इसके अंदर जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। अगर बीच में जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देख लें तो हम देखेंगे कि जो फ्लैजुला का क्रॉस सेक्शन देखने पर हम देखते हैं कि जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ज़्यादातर हमेशा 9 होती है, 9 सेट में होती है, वो भी डबलेट होती है। अगर आप देखें कि वो डबलेट फॉर्म में होती है तो 9 डबलेट सेट आउटर रिंग में होती है, और अगर इनर रिंग में एक दो और सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होंगे तो उसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, और अगर सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल अब्सेंट होंगे तो उसको हम 9+0 अरेंजमेंट कह देते हैं फ्लैजुला का या सीलिया का। तो ये दोनों के दोनों में जो होता है
ये कॉमन होता है, जो बेसल बॉडीज, जो प्रोटीन बॉडीज होती हैं, अगर उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ये होता है। उसके अलावा एक डायग्राम और देख सकते हैं कि हम जब ये डबलेट्स, माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स हैं, इनमें डायनियन आर्म होती है, और जब इनको एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी का सोर्स है, जब एटीपी इनको मिलती है तो ये क्या होते हैं, ये इसमें एक स्लाइडिंग फोर्स क्रिएट होती है और ये बेंड होने लगते हैं। तो ये मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्लैजेला जब भी मूवमेंट करेगा तो उसको एटीपी की आवश्यकता होती है। जो तीसरा टाइप है वो है सीलेरी मूवमेंट। सीलिया से जो मूवमेंट होता है, ये इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपका पैरामिसियम है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सीलेट्स का ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजेला की तरह ही होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 9+2 और 9+0 वाला होता है। और ये सीलिया पूरे शरीर पर उनके छोटे छोटे बाल जैसे बने होते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म के, और ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है, उस एनिमल का मूवमेंट आगे को होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हम देखते हैं कि इसके एक्सटर्नल, इसमें एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस शीथ होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में होती है, जो कि एनक्लोज करती है फ्लूइड मैट्रिक्स को। और डिटेल में अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाहर पर जो पेलिकल की एक लेयर होती है और एक बेसल बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं आपके सीलियम या सीलिया, जिसको आप नॉर्मली कह देते हैं, और इसमें प्लाज्मोलमा की एक लेयर है, आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी स्पेसेस होती हैं, और ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग होती है जहाँ से ये बाहर आउटर सरफेस पे निकलते हैं। तो अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज दो प्रकार के ट्राइकोसिस्ट आपके हो सकते हैं। सीलरी स्ट्रोक्स कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया फ्लैजेला के स्ट्रोक्स, तो सीलरी स्ट्रोक भी बेसिकली आपके दो मूवमेंट्स होते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इसका मूवमेंट भी एक तरीके से वैसे ही होता है जैसे फ्लैजेला का होता है, कि जैसे अगर आपको आगे को मूवमेंट करना है तो जो सीलिया हैं वो सीधी रहेंगी और स्ट्रोक मारेंगी तो रिवर्स में वो बेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्रोपल्शन ऑफ वाटर की डायरेक्शन आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में एक साथ सिंक्रोनस, एक ही साथ वो लोग सीलिया सारी की सारी काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स आगे और पीछे को मूव कर सकती हैं। इसका डिटेल्ड एक अल्ट्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं हम फ्लैजेलम का या सीलिया का। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बेसल ग्रेन्यूल से जब ऊपर हम जाते हैं तो देखते हैं कि पेलिकल की एक लेयर होती है, फिर मैट्रिक्स हमको मिलेगा, फिर मैट्रिक्स के बाद सेंट्रल ट्यूब्यूल मिलेंगी, फिर इनर शीथ होती है, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर पर। तो इस तरीके से, और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि जो डबलेट्स होते हैं, जिसमें कि ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल हम कह देते हैं उनको, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और उनको जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे जोड़ने के लिए रेडियल स्पोक्स होती हैं, और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं जैसे ऊपर वाले डायग्राम आप देख सकते हैं, ये 9+2 अरेंजमेंट है, और उसके बाद एक इनर शीथ होगी, और जो बाहर जो आपके ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल के बाहर और जो आपके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो जगह है उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। तो ये डबलेट की जगह ट्रिपलेट भी कहीं कहीं पर फ्लैजेलम में, सीलिया में, पेलिकल लेवल पर, पेलिकल लेवल से नीचे कभी कभी ये भी पाया जाता है ट्रिपलेट फॉर्म में। अब फ्लैजेलम और सीलियर मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लैजेला में जो मूवमेंट होता है, जो पैसिव जो प्रोपल्शन होता है आपका, मोशन जो होता है वो प्रोपेलर लाइक मोशन होता है, वो गुल 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 रोटेशन होगा और फ्लैजेला और वो मूवमेंट करेगा एनिमल। लेकिन जो सीलिया में होता है वो क्या होता है, वो आगे और पीछे बीटिंग करेगा और जिसके कारण की मूवमेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका सीलिया में और फ्लैजेलर जो मूवमेंट होता है उन दोनों में। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी सेम है, लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बात करते हैं स्पीड के बारे में, कितनी तेज़ी से ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है वो स्लोएस्ट मूवमेंट होता है, बहुत धीरे मूवमेंट होता है, जिसमें स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, वो 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन पर सेकेंड मूव करता है। और इससे तेज जो होता है वो होता है फ्लैजेलेट्स में, जो 15 माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक की स्पीड
गेन कर सकता है पर सेकेंड, और जो सीलियड्स होते हैं ये सबसे तेज़ होते हैं। इनका देखें अगर मूवमेंट तो ये बहुत ही तेज़ी गति से इनके मुकाबले बकाया एनवर्ड मूवमेंट और फ्रेजल मूवमेंट के मुकाबले ये तेज गति से जाते हैं, और ये 400 माइक्रोन से 2000 माइक्रोन तक इनकी स्पीड की लिमिट हो सकती है मूवमेंट के दौरान। थैंक यू।